बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के ददारी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने घर में घुसकर पत्नी के सामने ही पति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त 55 वर्षीय मृतक बादाम सिंह कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रहे थे और तभी अचानक हमलावरों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दे डाला। घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए, जबकि घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश में इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि पीड़ित परिवार ने एक नामजद समेत दो लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं खुर्जा सीओ सुरेश कुमार ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि सीओ का दावा है कि मामला दर्ज कर घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। पवन मेरे पापा जी जी पूरा मामला, पापा जी चेयर पे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, मम्मी जी चाय बना रही थी और मेरा जो बेटा है प्रिंस वो पीछे खेल रहा था। उनसे पूछा गया प्रिंस से कि तुम्हारे बाबा जी कहाँ हैं। दो लोग बाइक से आए और अंदर आकर के गोली मार दी। मम्मी जी घबरा गई, वो जैसे गर्मी में उठे मम्मी जी ने उठा के चारपाई पे डाल दिया। फिर इतने में गांव वाले इकट्ठे हो गए जी, सूचना सब दे दी। दो सर इस टाइम तो हमारी कोई रंजिश नहीं थी किसी से भी, बहुत ही डर था हंसना बोलना जी। पहचानने में तो आया ही नहीं सर, मम्मी ने तो ये बताया है कि पीछे से दिखा तो डाठा लगा हुआ है, चेक की शर्ट पहनी हुई बाइक। ये घटना थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के अंतर्गत धरारी गांव की है। कल रात्रि में लगभग 9 बजे की ये घटना है और जैसा मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया है कि बादाम सिंह पुत्र कुमारपाल सिंह निवासी ग्राम धरारी गाँव के किनारे बने हुए एक घेर में एक बरामदा और एक कमरा बना हुआ है, वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जैसा परिजनों द्वारा घटनाक्रम बताया गया है उसके अनुसार लगभग 9 बजे दो व्यक्ति वहाँ आए और अचानक उन्होंने बादाम सिंह को गोली मार दी। शोर शराबा सुनकर परिजन तत्काल वहाँ पहुँचे, इनको अस्पताल लेके गए लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा दो व्यक्तियों द्वारा इस घटना को कारित करने का उल्लेख करते हुए, जिसमें एक व्यक्ति नामजद है और एक अज्ञात है, इस घटना को करने की बात बताई गई है। इस पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस द्वारा बहुत गहराई से सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। सत्यता शीघ्र ही सामने आएगी और जो भी दोषी हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।